अक्सर फ्रिज में हमारे पास ब्रेड बच ही जाती है, हम ब्रेड किसी इस्तेमाल के लिए लाते हैं तो उसमें से दो चार पीसेस तो बच ही जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बचे हुए ब्रेड की बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी। तो चलिए बिना देर की रेसिपी शुरू करते हैं। बचे हुए ब्रेड की रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 ब्रेड। ब्रेड को हम कट करेंगे स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में, जिसके लिए मैं ले रही हूँ कैंची। आप यहाँ पे चाहे तो पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसे आप कट कर लें। तो मैं यहाँ पे कैंची की हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, यानी छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसको कट कर रही हूँ। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है इसको बनाना और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने सारे ब्रेड को कट कर ले रही हूँ और ये देखें मैंने अपने सारे ब्रेड को कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं फ्राई। तो उसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई में तेल। तेल हमारा अच्छा खासा हीट हो चुका है, तो बस जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम अपने सारे ब्रेड के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। ध्यान रखें कि हम इसे वेजिटेबल्स ऑयल में ही फ्राई करें या फिर घी में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना चाहते, आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप इसे सिर्फ थोड़ा सा एक पैन में थोड़ा सा तेल लें और इसको सिर्फ रोस्ट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और बस ऐसे ही मैं अपने दूसरे जितने भी स्क्वायर पीसेज है ब्रेड के सबको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बस इसे भी हम निकाल लेंगे। सिर्फ 2 मिनट लगेगा इसको अच्छे से क्रिस्पी होने में, फ्राई होने में। और ये देखें कितने अच्छे से हमारे सारे ब्रेड पीसेस बनके फ्राई होके तैयार है। तो देखें आप देख के अंदाज़ा लगा सकती है कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो बस हम दूसरे साइड लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। हम ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ही ऑयल। और उसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप्ड की हुई प्याज। मैं प्याज ऐड करते समय मेरा कैमरा ऑफ था तो उसके लिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस प्याज सिर्फ मैंने प्याज ही ऐड किया और कुछ नहीं। प्याज के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। और जब ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो बस यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से लगातार भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम हमारी गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। और बस उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई टमाटर और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और ये देखिए काफ़ी अच्छा गल चुका है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून के करीब हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला करीब 1/2 चम्मच आप यहाँ पर ऐड करें। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। जब हम सारे मसाले ऐड करें तो हमारी गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो ये देखें सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। और उसके बाद आपके पास जितने केचप है, जितने भी सॉसेस है आप वो ऐड करें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप। आप यहाँ पे 1 बड़े चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टोमेटो केचप, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, आपके पास जो भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने 3 सॉसेज ऐड किए हैं, सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसको हम इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने ब्रेड के पीसेस को जो हमने अभी फ्राई किया था। बस उसके बाद हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रख के सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि हमारे सारे जो मसाले हैं वो पूरे ब्रेड में अच्छे से कोट हो जाएं। और बस ये हमारा मसाला ब्रेड तैयार है। ये सच में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप घर के बचे हुए ब्रेड का भी ये बना सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड का भी ये बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको देख सकते हैं कितना आसान है बनाना, सिर्फ सारे मसाले। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा भी होता है। तो बस हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। और ये देखें बहुत ही टेस्टी सा हमारा मसाला ब्रेड बनके तैयार है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी इसे बना सकते हैं। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी नई नई वीडियोज़ लेकर आया करूँ। और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें।